दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस वैक्सीन के बारे में। इस वैक्सीन को हम लें या नहीं लें इसके बारे में भी हम देखेंगे। कौन सी वैक्सीन ज़्यादा असरदायक है वो भी हम देखेंगे। इनके साइड इफ़ेक्ट, इनके इफेक्टिवनेस, सब चीज़ हम इसके अंदर इस छोटी सी वीडियो में कम्प्लीटली डिटेल देखने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारे सामने कई बार आ जाता है कि वैक्सीन क्या होती है। कई लोग पूछ लेते हैं कि वैक्सीन क्या होती है। देखिए, जिस भी वायरस से हमें प्रॉब्लम है, उसी एंटीजन की हल्की सी डोज हमारे शरीर के अंदर डाल दी जाती है। ताकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके खिलाफ, उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दे। ताकि जब अगर असली वायरस है, जो यानी कि जो कोरोना वायरस जैसे कि फैल रहा है, तो अगर कोरोना वायरस असली में हमारे ऊपर इफेक्ट करे, अगर शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर एंटर करे, तो पहले से एंटीबॉडी बनकर तैयार हो रखी हो और वो उससे लड़े, ताकि वो हमारे पे ज़्यादा इफेक्ट ना, जो कोरोना वायरस, जो रियल वायरस है, वो ज़्यादा इफेक्ट बॉडी पे ना डाले। इसीलिए ये जो हल्की सी डोज हमारे शरीर के अंदर डाल दी जाती है, यही वैक्सीन कहलाती है। ओके, और जो वैक्सीन डाली जाती है, इनकी जो मान लो तीन वैक्सीन आई हुई है, आप इस स्क्रीन पर देख रहे हो, COVID-19 की वैक्सीन, जैसे कि तीन वैक्सीन इसके अंदर आई हुई है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी। ठीक है, तो हम तीनों वैक्सीन के अंदर अच्छे से जानेंगे क्या क्या है। तीनों वैक्सीन की अलग अलग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो हम इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या टेक्नोलॉजी है इनकी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कोवैक्सीन के बारे में। तो ये भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है। यह जो वैक्सीन है, ये भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है, यानी कि कम्प्लीटली इंडिया के अंदर ये बनाई गई है। और ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही है, बाहर किसी भी कंट्री के अंदर ये इसको यूज नहीं किया जा रहा। और ये भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा ये बनाई गई है, ICMR के द्वारा ये बनाई गई है। ठीक है, इसके अंदर इसकी टेक्नोलॉजी क्या है कि जो हल्की सी डोज जो डाली जा रही है ना, वो एक डेड कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस ही है वो, और परंतु वो जिंदा नहीं है, वो मरा हुआ कोरोना वायरस इनएक्टिवेटेड, यानी कि एक्टिवेट फॉर्म में नहीं है। इनएक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर जो हल्की सी डोज हमें वो दी जा रही है। इसकी दो डोज लेनी होती है, एक पहली डोज और सेकेंड डोज 28 दिन के बाद, पहली डोज लेने के एक महीने बाद लगभग सेकेंड डोज लेनी होती है। ठीक है, और इसको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे रखा जा सकता है। ओके, कितनी इफेक्टिव है कितनी नहीं है ये हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। पहले हम कोविशील्ड के बारे में भी हम जान लेते हैं। ठीक है, ये कोवैक्सीन आप देख सकते हो भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है, दो डोज इसकी लेनी होती है। ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही चल रही है, और इंडिया के अंदर, कम्प्लीटली इंडिया के अंदर ये बनाई गई है सारी। ओके, भारत बायोटेक के द्वारा। सेकेंड, कोविशील्ड के बारे में हम जान लेते हैं। ये ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की ये वैक्सीन है, और इंडिया के अंदर इनके पार्टनर सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा ये बनाई जा रही है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की ये वैक्सीन है कोविशील्ड। ओके, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो डेड कोरोना वायरस जो नहीं डाला जा रहा, इसमें वायरल वैक्टर है। इसमें चिंपांजी, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, जो चिंपांजी का एडेनो वायरस है, जो उसको मॉडिफाई करके डाला जा रहा है। मॉडिफाई करके क्यों, ताकि शरीर पर ज़्यादा इफेक्ट उसका ना हो, साइड इफेक्ट ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो इसलिए इसका ये जो चिंपांजी का वायरस इसके अंदर इस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इसकी भी दो डोज लेनी होती है, और जो पहली डोज लेने के कम से कम 42 दिन बाद, या फिर इसमें ज़्यादा ये बताया गया कि जितना लेट लेंगे उतना ही ठीक है, 6 से 8 वीक के बाद इसको लेना ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। और इसको सिर्फ इंडिया में नहीं, ये 80 देशों के अंदर, ये 80 से भी ज़्यादा कंट्रीज के अंदर ये कोविशील्ड लगाई जा रही है। उसको भी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखा जा सकता है। ओके, आगे समझ, इसकी भी इफेक्टिवनेस हम बाद में देखेंगे। आगे आते हैं स्पुतनिक, एक थर्ड जो वैक्सीन है, अभी थोड़े दिन पहले ही आई है, स्पुतनिक वी। ठीक है, इसको बनाया, ये रशियन वैक्सीन है भाई, रशिया से आई है ये, और डॉक्टर रेड्डीज लैब के अंदर इसको तैयार किया जा रहा है इंडिया के अंदर। इंडिया में डॉक्टर रेड्डीज लैब के द्वारा इसको अब बनाया जाएगा। ये भी एक वायरल वेक्टर है, इसकी दो डोज है, और दोनों डोज के अंदर अलग अलग वायरस है इसमें।
ठीक है, दोनों ये भी वायरल वेक्टर है, दोनों डोज के अंदर अलग अलग वायरस मिलाए गए हैं, ओके, और मतलब डेड वायरस, समझ रहे हो आप। और इसके अंदर ये बताया गया है कि भी जो पहली डोज लेने के बाद जो सेकंड डोज है वो 21 दिन बाद ले सकते हैं। ये 60 प्लस कंट्री के अंदर इसको यूज किया जा रहा है। इसको भी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखा जा सकता है ड्राई फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में अगर रखना हो तो -18.55 डिग्री सेल्सियस पर इसको रखा जा सकता है। अब हम इसको देख लेते हैं कि इसके कौन सी असरदार ज़्यादा है। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, देखिए इसके अंदर जो ये लिखा गया है, अलग अलग रिपोर्ट्स आती रहती है, अब तक कुछ आ रही है कुछ नहीं आई है, और भी रिपोर्ट्स आएंगी तो डेटा जो है चेंज होता जा रहा है। सबसे पहले कोवैक्सीन के बारे में बताया जा रहा है, इसके अंदर इसकी एफिकेसी जो 78% बताई गई है, और इसके अंदर ये बताया गया कि 100% इफेक्टिव है ये मोर्टिलिटी रिस्क के अंदर, यानी कि मृत्यु तो इसके अंदर होगी ही नहीं, कोई मरेगा ये वैक्सीन लेने के बाद किसी की भी डेथ नहीं होगी, इसके अंदर ये बताया जा रहा है। ठीक है, अगर मान लो वैक्सीन लेने के बाद भी कोई अगर कोरोना वायरस अटैक करता है तो भी डेथ नहीं होगी कोवैक्सीन लेने के बाद, ये इसमें 100% बताया जा रहा है, और 78% इसकी एफिकेसी बताई जा रही है। कोविशील्ड ये 70% बताई गई थी जब नवंबर में ये वैक्सीन आई थी शुरू में तो, और बाद में अब 80% से भी ज़्यादा एफिकेसी इसकी बताई जा रही है। जो रशियन वैक्सीन है इसकी स्टडी चल रही है अब तक, परंतु अभी थोड़ा मोटा अगर जो डेटा आया है वो 91% इसकी एफिकेसी बताया जा रहा है, ओके, ये इसकी इफेक्टिव है। ओके, हम अब लास्ट में देख लेते हैं साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट भाई देख लीजिए आप, ये इसमें है जैसे कि हल्का दर्द, पेन होना, फीवर वगैरह, ओके, ये सूजन, सिर, हाथ पैर में थोड़ा दर्द, ये चीज़ें हो सकती है। और एंटीबॉडीज़ के अंदर मतलब एंटीबॉडीज़ का क्या मतलब है कि भाई जब दोनों डोज ले लेंगे हम जो वैक्सीन की दोनों डोज ले लेंगे तो उससे 2-3 हफ्ते बाद शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बननी शुरू होंगी, ओके। और जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसके अंदर थोड़ा सा ये भी बताया गया था भाई, कोविशील्ड जो वैक्सीन है इसके अंदर पहले थोड़ा सा ये शुरू में एक शिकायत आई थी कि भी जो प्लेट वगैरह जो बॉडी की जो प्लेट्स होती है जो शरीर में वो घट रही है या फिर ब्लड में थोड़ी दिक्कत आ रही है, परंतु वो बहुत ही रेयर था, मतलब हजारों में लाखों में से कोई 1 या 2% के। फिलहाल अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है, जो रिपोर्ट आ रही है वो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये जो साइड इफ़ेक्ट है यही साइड इफ़ेक्ट ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं, और इफ़ेक्टिव इतनी है ये 78% एफिकेसी इसकी कोवैक्सीन की है, और इसमें बताया जा रहा है कि ये वैक्सीन लेने के बाद डेथ तो किसी की नहीं होगी। और कोविशील्ड के अंदर 70% बताया गया था शुरू में तो, और अब 80% बताया जा रहा है। और स्पुतनिक की जो स्टडी है वो चल रही है अभी तक कम्प्लीट, और इसकी रिपोर्ट्स आ रही है वो 91% बताई जा रही है, बाकी समय समय पर इनकी जो रिपोर्ट्स है वो चेंज होती रहेंगी, हो सकता है ये कम भी हो जाए, जो 78% 70% 80% जो ये है हो सकता है ये कम भी हो जाए, हो सकता है बढ़ भी जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो फिलहाल जो रिपोर्ट है यही है, ओके, और ये आपने देख लिया स्पुतनिक 5 में, ये जो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे कोविशील्ड के बारे में पढ़ सकते हो, और ये जो इसकी ये आप देख सकते हो ये कोविशील्ड के बारे में है जो इसका फॉर्मूला है, और कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा बिल्कुल इंडिया के अंदर निर्मित की बनाई गई है ये, और इंडिया में ही इसका यूज किया जा रहा है। कोविशील्ड 80 प्लस देशों में इसका यूज किया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की ये वैक्सीन है, और अब इंडिया के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट इसको बना रहा है, ओके। स्पुतनिक रशियन की वैक्सीन है, रशिया की, और डॉक्टर रेड्डीज लैब इंडिया के अंदर है जो उसके द्वारा भी इसको बनाया जा रहा है, ओके। थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना।